पाड़ा 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 चालो बाबो भली कदेला पाड़ा पाड़ा चालो बाबो एक बार आंखों को खोल दे पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली कदेला जो लोग खड़े उनसे मेरा निवेदन है हाथों को खोल के एक बार पाड़ा पाड़ा चालो बाबो हो पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली कदेला राम रुणीचे वाड़ो बाबो भली कदेला नीचे बाड़ो बाबो भली करेला बाड़ा हाथों को उठा के बाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली करेला बाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली करेला राम रुणीचे बाड़ो बाबो भली करेला राम रुणीचे बाड़ो बाबो भली करेला राम रुणीचे बाळो बाबो भली करेला राम रुणीचे बाळो बाबो भली करेला अभिवादन राम राम से करते हैं लेकिन जब सावन महीना लगता है तब क्या बोलते हैं कितने लोग बोलेंगे सभी लोग है मन सभी का जय बाबा की करने का कितने लोग नहीं बोलेंगे आप खड़ा करें एक बार जय हो तो जय बाबा री एक बार उद्घोष के साथ में पीछे तक सभी लोग भर देसी भंडार कदेनी कमी करेला आवाज नहीं आई
करेला, राम ऋणी चे बाळो बाबो भली करेला, राम ऋणी चे बाळो बाबो भली करेला। राम ऋणी चे बाळो बाबो भली करेला। रामदेव जी महाराज री बारात अब रुणीचा सो रवाना और अमरकोट पहुंची है। ए गोपाल लाल में तो थारा गेरी गेरी बिरखा भाजा ते पाछा कहीं आ जा। गेरी गेरी बिरखा भाजा
ओथी पाछा कहीं जाओ ओ मन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में साची साची बात बताओ जियो साची साची बात बताओ जियो मख मख मारे कंवरे अजीमारा रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो मख मख मारे कंवरे अजीमारा गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने दी आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बावला नहीं तो खाओ लगाई बोलो कहीं बात अब गांवरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझिया एक 80 बरस ना डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अन्नदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांझिया कही जो थी तू अजमल जी बीरा बांझिया कही जो भारा सुगन खराब घना होया जियो सुगन खराब घना होया जियो खम्मा 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 रे कोबरी रुनी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो मख मख मारे कबरे बोले ठाकुर साहब अन्नदाता आप तो मालिक हो पर अन्नदाता आप बांझिया हो और बांझिया आदमी रा सुगन ले खेत में जाने से बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांझिया आदमी रा सुगन ले खेत में मेहनत करने से मतलब कहीं अब देखो करसा आवड़ कावड़ शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचो बात सुन और धरती निकल गई किसान ने आड़ा टोड़ा बोलता बोलता अपने घर चला गया अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा जब पतिदेव ने मैनादे जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यू आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो कई बात है आप बड़ा दुखी हो आप मने बोलो अजमाल जी महाराज रे आंखें मुँह आंसू आ गया बोले रानी बांझियो के वेरे मारो मुखी नहीं देखे अरे बांझियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे एड़ा काई पाप कमाया जियो एड़ा काई पाप चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो हम
आखा में आंसोरी लड़ी बेवे अपनी रानी, मेणा देने कहने लगा बोला रानी इनसो चोको है कि भगवान मने दुनिया उठा ले, बांझिया बांझिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला। मैणा दे जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले पिया जी चिंता ना करो ना, अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया, एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले आ जाओ। और इन बार द्वारकारो नाथ आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया, अजमाल जी महाराज ने दिया, बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो। अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रस्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया, एक सांवरियारी आस लिया, अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश से मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया, बोले भगवान 12 साल तक आयो हमारी नहीं सुनी, 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौकट पर माथो पटक पटक मर जाऊंगा। पर पाछो घर ना जाओ आज, अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, आयो थारे बारने। क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा, दुनिया महाने मोसा बोले एक ताबद दे। दुनिया महाने मोसा बोले किता पद दे कारने, दुनिया महाने मोसा बोले किता पद दे कारने। बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा, इतरो मत बन मुंजी, और एक टाबरियो मने देवे, एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी। और नहीं सुनेला, नहीं सुनेला विघ्न करूला, हरी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला, लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौकट पर मर गयो। पाछो घर ना जाओ, बहुत देर हो गई, भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है। अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी, और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते, अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति रे मार दिया। मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज
पुजारी बता दे कठे बार का रोना। दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, मख मख मारे कवरे अजी मारा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो, आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे। और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो, क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे, भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा, हीरा पन्ना खूब जड़िया, आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने। भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान के कर दो खबरा, मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमान थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान वो कई, बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमान जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमान जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमान उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना, हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो मास जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला। बरस 61 वो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला। सुन रे अजमल थारे अवतार की बात है तालियों के साथ में। दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे,
दुनिया माने मूसा बोले किताब।